स्पेसिफिक देखें तो सीमेंट शेयरों में आज अच्छी तेजी बनी हुई है, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स में आज दबाव है। और आज के टॉप लूजर देखें, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, जो टॉप 5 लूजर हैं आज निफ्टी के, वो आज आईटी स्टॉक्स ही देख रहे हैं। हालांकि आज निश्चित तौर से रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन 2 से 2.5% की यहाँ पर वीकनेस देखी जा सकती है आईटी स्टॉक्स में। यहाँ पर एक बार राय ले लेते हैं, राहुल, क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी स्टॉक्स में इस वक्त? ये जो वीकनेस आ रही है, क्या खरीदारी के मौके इसमें देखने चाहिए, और आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? और एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहेंगे, आप अभी इस मौजूदा ट्रेंड में लार्ज कैप आईटी कंपनियों के साथ जाना चाहेंगे, या फिर मिड कैप स्पेस में भी आपको कुछ कंपनियां अच्छी लग रही हैं? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। तो अगर आईटी आप देखेंगे, आईटी फाइनली एक लंबे अरसे के बाद बेयर मार्केट से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप इस करेंगे फाइनली डेली चार्ट पे हायर हाईज हायर लोज कोशिश करके बना रहा है, और हमारा ये मानना है कि ये जो डाउन ट्रेंड था या बेयर मार्केट था आईटी में, वो अभी खत्म हो गया है। स्लो एंड स्टडी इसका सिर्फ रिकवरी हो सकता है। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो एक्चुअली एक मेरा पिक भी आज होने वाला था, वो है टीसीएस। टीसीएस का हम एक थोड़ा सा कंडीशनल बाय दे रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस कुछ 3230 के आसपास चल रहा है। हम लोग 3250 जब क्रॉस करेगा बाय इनिशिएट करना चाहते हैं टीसीएस में, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है टीसीएस का बहुत बेहतरीन है लार्ज कैप्स में। हालांकि एक डिमांड जोन बना है और एक राउंडिंग बॉटम के साथ डिमांड जोन बना है, उसका स्टॉप लॉस 3298 रख सकते हैं और टारगेट हो सकता है 3350, सॉरी स्टॉप लॉस 3190 हो सकता है और टारगेट हो सकता है 3298 और 3350। सो टीसीएस इज लार्ज कैप में हमारा प्रेफर्ड बिट। परसिस्टेंट भी एक एक स्टॉक है जो आप देख सकते हैं, हालांकि वो अभी तक बाय लेवल पे नहीं आया है। ये करेक्शन, 1 और 2-3% का करेक्शन होता है तो एक अच्छा सा बाय लेवल पे आएगा, जहां पे परसिस्टेंट भी लॉन्ग करने की सोच सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आईटी सेक्टर को लेकर। लेकिन एक